एक बड़ी अपडेट, लेबनान में यूएन पीस कीपर्स पर हमले से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भड़क उठी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने यूनिफिल के खिलाफ हमलों की निंदा की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बेरूत की यात्रा के दौरान ये बयान दिया। मेलोनी ने लेबनान में यूएन के यूनिफिल को मजबूत करने का आह्वान भी किया। बता दें, इसराइल ने हाल ही में यूनिफिल के सेनाओं को निशाना बनाया था। इस दौरान मेलोनी ने लेबनानी प्रधानमंत्री नजीब मेकाती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मेलोनी ने कहा, केवल यूनिफिल को इसकी निष्पक्षता बनाए रखते हुए मजबूत करके ही हम पन्ना पलट सकेंगे। मैं दोहराती हूँ कि मैं यूनिफिल को लक्षित करना अस्वीकार्य मानती हूँ। मैं एक बार फिर पूछती हूँ कि सभी पक्ष हर समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि इनमें से प्रत्येक सैनिक की सुरक्षा की गारंटी हो। एक बड़ी अपडेट, लेबनान में यूएन पीस कीपर्स पर हमले से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भड़क उठी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने यूनिफिल के खिलाफ हमलों की निंदा की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बेरूत की यात्रा के दौरान ये बयान दिया। मेलोनी ने लेबनान में यूएन के यूनिफिल को मजबूत करने का आह्वान भी किया। बता दें, इसराइल ने हाल ही में यूनिफिल के सेनाओं को निशाना बनाया था। इस दौरान मेलोनी ने लेबनानी प्रधानमंत्री नजीब मेकाती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मेलोनी ने कहा, केवल यूनिफिल को इसकी निष्पक्षता बनाए रखते हुए मजबूत करके ही हम पन्ना पलट सकेंगे। मैं दोहराती हूँ कि मैं यूनिफिल को लक्षित करना अस्वीकार्य मानती हूँ। मैं एक बार फिर पूछती हूँ कि सभी पक्ष हर समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि इनमें से प्रत्येक सैनिक की सुरक्षा की गारंटी हो।